दोस्तों भाई मंत्रा एप्लीकेशन से ऑर्डर कैसे करें, शॉपिंग कैसे करें, बहुत आसान तरीका है। मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा ऑर्डर, वो भी कैश ऑन डिलीवरी पर, ठीक है ना। तो भाई मंत्रा एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, इससे आप बहुत सारी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, खासकर तो फैशन के ऊपर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे हिसाब से मीशो मंत्रा बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो भाई मंत्रा से कैसे ऑर्डर किया जाता है, एकदम लाइव प्रोसेस, क्या गलती नहीं करना है और क्या आपको करना है ताकि आपका ऑर्डर भी बहुत जल्दी आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। आपको जो भी करना है भाई आप वही चीज़ यहाँ पर सर्च कीजिए, ठीक है ना, जो भी आपको प्रोडक्ट लेना हो। अब भाई मैंने सर्च कर दिया है, सर्च करने के बाद यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएंगे स्मार्ट वॉच की। 2.2 की रेटिंग है, इतने सारे लोगों ने यहाँ पर इसको विजिट किया है, मतलब ये नॉइस कंपनी की घड़ी है तो काफ़ी शानदार होगी, ठीक है ना। चलिए हम इस पर ही क्लिक करते हैं और आपको जो परचेस करना है आप वही चीज़ में एंटर कीजिए, वही चीज़ को खरीदिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं भाई, नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो इसका सब कुछ मिल जाएगा डिटेल्स, क्या घड़ी है, क्या कलर है, इसका डिस्काउंट कितना चल रहा है, ठीक है ना। इस पर देखो कूपन कोड भी दिया गया है। इस पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो लिखा है भाई आपका ऑर्डर जो है 21 अक्टूबर तक आ जाएगा। अभी जो फ़िलहाल डेट है वो है करीबन 12 अक्टूबर, ठीक है ना। तो भाई मतलब 10 दिनों के अंदर उससे पहले आ जाता है। पे ऑन डिलीवरी जो है वो अवेलेबल है, मतलब कि वही देखो एक चीज़ और लिखी नीचे, रिटर्न और एक्सचेंज इज़ नॉट अवेलेबल। अब भाई आप लोग कभी कभी ऑर्डर देख नहीं पाते हो, कर देते हो, बाद में फिर मेरे को कमेंट करते हो सर हमारा ऑर्डर ना रिटर्न नहीं हो रहा। तो आप लोग ये सब पढ़ते नहीं हो इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो जब भी ऑर्डर करें तो सब कुछ देख ले कि कौन सा ऑर्डर रिटर्न हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। इस पर देखो क्रॉस लाइन बटन बना हुआ है, इस पर देखो यस यस है, मतलब दो चीज़ उपलब्ध है ये नहीं है। लेकिन भाई मैं करूँगा ऑर्डर क्योंकि घड़ी जो होती है ये कंपनी की होती है और अच्छी होती है, ठीक है ना। तो इसको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई नीचे आते हैं देखो और भी आपको यहाँ पर डेट्स मिल जाएंगे घड़ी के बारे में, क्या है क्या नहीं है। तो भाई मैं यहाँ पर देखो एक चीज़ देख लेना हमेशा, तो यहाँ पर लिखा है जेन्युइन प्रोडक्ट, मतलब कि इसमें लिखा ओरिजिनल, आपको देख पा रहे हो अगर आप लोग, तो अगर ये लिखा है किसी प्रोडक्ट पर तो समझ जाना कि ऑर्डर काफ़ी शानदार है। भाई नीचे आते हैं अब भाई सिंपल देखो यहाँ पर लिखा है एड टू बैग, ठीक है। एड टू बैग में क्लिक करेंगे, नीचे आके इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एड टू बैग वाले जो सेक्शन है यहाँ पर जो खाली दिख रहा है इस पर ये एक आ जाएगा। अब भाई आ चुका है ना तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जितने भी ऑर्डर मैंने एड टू बैग किए हैं सारे ऑर्डर की लिस्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगी। देखो ये ऑटोमेटिकली ये मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है, ये खुल चुका है। देखो नीचे आते हैं देखो ये ऑर्डर आ चुका है। अब भाई देखो हम सिंपल नीचे आते हैं और भाई यहाँ पर देखो एक डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप देख पाओगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा है ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। और डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड दो में से अगर है तो मेरे को इस प्राइस के हिसाब से 19 जो लिखा भाई ये प्राइस 1199 मेरे को 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। भाई मेरे पास कोई कार्ड नहीं है तो सिंपल मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ देखो लिखा है प्लेस ऑर्डर, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है, तो भाई यहाँ पर हमें अपना एड्रेस को फिल करना है। तो भाई जल्दी से हम ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, अपार एड्रेस, लोकल सिटी, टाउन, और आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सारा एड्रेस भाई सही से फिल कर लेना, और एड्रेस सही इसलिए फिल करना अगर आप लोग एड्रेस पर सिर्फ नाम डालते हो, एड्रेस पर थोड़ा बहुत नाम डालते हो या फिर अपना पिन कोड, तो आपका ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो मैं सब कुछ सही एड्रेस को फिल कर लेता हूँ। भाई हमने सारा एड्रेस को फिल कर लिया है, नीचे आते यहाँ पर देखो लिखा सेव एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद भाई हमने सेव एड्रेस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो नीचे लिखा कंटिन्यू, बाकी एड्रेस आपका दिखाई ऊपर देगा लेकिन नीचे कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो हम कंटिन्यू में सिंपल क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर देखो और भी चीज़ आपको देखने को मिल रही है, कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी फिर मिल रहा है, ठीक है ना। नीचे देखो क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, डेबिट कार्ड, पे लेटर, EMI, नेट बैंकिंग, तमाम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सिंपल हमें क्लिक करना है। देखो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी के दो ऑप्शन हैं। यहाँ पर देखा रिकमेंडेड पेमेंट ऑप्शन और कैश ऑन डिलीवरी, ऊपर भी लिखा कैश ऑन डिलीवरी। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो ये कैप्चा आया है, उस कैप्चा को फिल करेंगे हम लोग। और कैप्चा फिल करने के बाद सिंपल हम देखो यहाँ पर लिखा प्लेस ऑर्डर, ठीक है, पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो जो हमारा ऑर्डर का जो प्रोसेस है वो कन्फर्मेशन हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और थोड़ा सा टाइम लगता है और हमारा जो ऑर्डर है वो 100% हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये हमारा जो ऑर्डर है वो अब हो चुका है, ठीक है, हमें कुछ स्क्रैच कोड ही मिला है। तो भाई देखो हमारा जो ऑर्डर है वो हो चुका है 100%, और ये ऑर्डर आप 21 अक्टूबर के पहले मुझे आसानी से मिल जाएगा। इस ऑर्डर को आप ऑर्डर वाले सेक्शन में क्लिक करके भी देख सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुँचा, और वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो अपने ऑर्डर को, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप लोग बहुत आसान तरीके से अपना
मंत्रा से आसानी से ऑर्डर कर पाओगे। सिंपल तरीके से मैंने आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो पर।